सोनी और एक मैसेज उनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि आपने मैसेज किया था पंकज की दीदी को। जी। क्या मैसेज किया था आपने? बोले थे जो दीदी पंकज जी का है बता दीजिए ना, सुबह से बात नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? आपने अपने भाई को भेजा पंकज के यहाँ? नहीं, भाई यहाँ नहीं थे। अच्छा, आपके भाई? अच्छा, उन लोगों का कहना है कि आपके जो भाई है उन्होंने मैसेज करके बुलाया, ये बात सही है क्या? नहीं। अच्छा, आप बताइए कि पंकज को आप कब से जान रही थी? क्या कॉल वगैरह से बात हो रहा था कि आप मिल भी रही थी बीच बीच में उनसे? अच्छा, मिल नहीं रही थी, कॉल से ही बात हो रहा था। अच्छा, वो भी पंकज जो है वो भी सिंगर थे और आप भी सिंगर थी क्या? जी। कब से आप गाना गा रही है? हम गाए थे एक साल पहले, तो चैनल पर से कुछ लोग उतार दिए गाने। अच्छा, सबसे पहले आप जो है पंकज से कब और कैसे मिले थे? नहीं, वो पीछे आ जाते थे ना तो देखते थे। जोर से बोलिए। अच्छा, उसे उन्हें देख रहे थे, आपके पीछे वो आ जा रहे थे, यानी कि आपसे चाह रहे थे कि मतलब वो फ्रेंड बन जाए, यानी कि शादी करना चाह रहे थे क्या? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने अपने घर वाले को कब बताया कि हम पंकज से प्यार करते हैं? नहीं बताए। नहीं बताए थे क्या? अच्छा, पंकज ने अपने घर वालों को बताए थे? हाँ, उनके घर में सब। अच्छा, गाने को लेकर कहा जा रहा है ऐसा कि आपने गाने लिख के दिया था अपने परिवार वालों को सुनाने के लिए? अब नहीं, उनको लिख कर दिए थे। आप लिख के दिए थे ना? जी। अच्छा, आप लोगों का जो संबंध था कैसा संबंध था? एक शादी करने वाले थे आप लोग या फिर ऐसे ही चल रहा था दोस्ती वाला? सब अच्छा, ये बताइए कि गाना आप क्या सोचकर लिखे हुए थे? क्या गाना इसलिए लिखे थे कि ताकि गाना सुन के हमारे फैमिली के लोग जो है एक्सेप्ट कर ले और दोनों की शादी हो जाए, ऐसा कुछ सोचे थे क्या? नहीं, वो हम जो गाना निकाले थे ना तो भी उनको बोले हम गाना सेट किए ना, बोले कि ये गाना मत किए। जोर से बोलिए। अच्छा, अच्छा, कहा जा रहा है ऐसा कि जो पंकज थे वो आत्महत्या करके मरे, आपके फैमिली के द्वारा किए कहा जा रहा है ऐसा, आप बताइए कि पंकज की हत्या मर्डर हुई है या आत्महत्या किए थे? ये तो नहीं पता, मेरे पापा जी भाई जी। अच्छा, उस समय जब पंकज को जैसा कि उन लोगों का कहना है कि फोन करके बुलाया गया या फिर मैसेज के द्वारा, तो आप उस समय कहाँ थी? हम घर थे। घर थे, तो पंकज आपके घर आया था? नहीं, नहीं। तो उन लोगों का कहना है कि आपके जो पिता है भाई है उन लोगों ने मिलकर हत्या की है, तो क्या आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या कहना चाहेगी? नहीं पापा भाई तो जीआरपी प्रोग्राम में गए थे। अच्छा, आपका कहना है कि पापा भाई उस समय नहीं थे घर पे? नहीं, पापा जी भाई जी 1 बजे आए थे। अच्छा, सुनी, पंकज आपको मैसेज करता है 9 तारीख को, 9 अगस्त को, कि मरने के लिए सोच रहे हैं, क्या यह मैसेज सही है? जी। उसके बाद आप क्या पहल करती हैं? पंकज को समझाती हैं, पंकज से बात करती हैं, पंकज को बुलाकर मिली या आपने घर वालों को बताया है? नहीं, हम उनको मैसेज आने के सीधा कॉल किए जो आप ऐसे क्यों बोले, तो बोले जी नहीं मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए हम जा रहे हैं, जहर खा कर मर जाएंगे या फांसी लगा। उसके बातों से आपको लगा कि पंकज जो है आत्महत्या कर सकता है या आत्महत्या करने की एकदम बिल्कुल प्रवृत्ति बना लिया था? नहीं, वो पहले भी कहते थे पर नहीं करते थे। आप 6 महीना से उसे जानती हैं, 6 महीना में जो आपने स्टडी किया है पंकज को, तो पंकज कैसा लगता था कि आत्महत्या कर सकता था? नहीं, पहले कहते थे जो हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 6 महीने से आप पंकज से प्यार कर रही थी, तो फिर घर वालों को क्यों नहीं बताई? बिना घर वाले के इजाजत के आप कैसे किसी लड़के पर यकीन कर लिए कि हम उसे शादी करेंगे? नहीं, छिप के बात करते, मम्मी और शादी यार से मतलब इनकार करते थे, जो वो अलग कास्ट थे हम अलग थे। अच्छा, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। जी। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके घर वाले इसलिए नाराज थे कि वो जो है किसी अदर कास्ट से हमारी जो लड़की है वो प्यार कर रही है? लेकिन मेरे मम्मी पापा भाई यार कोई नहीं कुछ किया उनका। अच्छा, बताओ सोनी की तुम्हारी उम्र कितनी हो रही होगी अभी? 16 साल। 16 साल। कौन से क्लास में पढ़ती हो? मैट्रिक कर ले, इंटर में नाम नहीं लिखा। पंकज को कहाँ देखी थी पहले, सबसे पहले? नहीं, पेठियार जाते थे तो देखते। कहाँ जाती थी? इधर पेठियार ना, वही जाते थे तो पढ़ने जाती थी। पढ़ने भी जाते थे तो देखते थे। और पहली बार बात कैसे हुआ था? उधर मतलब मेरी सहेली थी ने, उन्हीं किया थी। वही कॉल किया था? जी, सहेली के माध्यम से कॉल किया था। अच्छा, तो कहा जा रहा है ऐसा कि जो आपके प्रेमी थे पंकज, उसको आपके घर वाले मारे हैं, क्या बात सही है? नहीं। कैसे मरे पंकज, कैसे? आत्महत्या की है वो?
आपको नहीं पता है वो मैसेज। लेकिन देखिए पंकज के जो घर वाले हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सोनी के घर वाले ने उसे मार डाला है। नहीं, बाजी पापा जी तो नहीं थे। अच्छा, आपको लगता है कि पापा जी नहीं मारे हैं? निर्दोष है जी। अच्छा, आपके घर वालों को जब गाना आपने जो है लिखकर पंकज को दी गाने के लिए, तो गाना जैसे ही रिलीज हुआ उसके बाद पता चला? मम्मी पापा को। हाँ, थोड़ी मम्मी पापा को पता था, यही लिख के दिए गाना। अच्छा, मम्मी पापा को नहीं पता था। उस गाने में क्या आपका नाम और फोटो था क्या? नहीं। तब फिर कैसे पता चला? नहीं, ये गाना हम लिख कर दिए थे ना, तो बोले क्या जो हम गाएंगे, तो बोले ठीक है, तो इधर से दिए गाना, तो जा कर के निकाले तो उनका फोटो था उसमें, तो बोले यही गाना है, तो हम लोग देखे थे गाना। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? कब दिए थे आप? गाना हो गया होगा 1-1.5 महीना हो गया। कहाँ मिलकर दिए थे गाना उसको? नहीं, मोबाइल पे थे किए थे भाई। व्हाट्सएप पे बात होती थी आपकी? नहीं, मेरा बड़ा वाला फोन नहीं था भाई। छोटा फोन में आप गाना कैसे भेज दी उनको? मतलब भाजी का फोन था ना, तो उसी में गाना लिखे थे ना, तो उसमें पिक्चर खींच के व्हाट्सएप। आप अपने भाई के व्हाट्सएप से पंकज को गाना भेजी थी? पंकज व्हाट्सएप चलाता था जी। अच्छा अच्छा, ये सारी घटनाएं तो हो गई। आपके जो प्रेमी है पंकज इस दुनिया में नहीं है फिलहाल। आपके घर के 5 लोग सदस्यों का नाम है, जिसमें आपका भी नाम है छोटू के मर्डर में। क्या कहना चाहती है? पंकज के हत्या के मामले में आपका भी नाम है, क्या कहना चाहती है? क्या प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है आपके साथ, और आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, जो निर्दोष। कौन है दोषी? क्या लगता है आपको कि दोषी कौन है? यही तो कोई पता नहीं लगाते हैं। कुछ आइडिया होगा आपको कि आपके पंकज को किसने मारा या आत्महत्या किया, कुछ तो? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि पंकज ने खुद आत्महत्या किया या फिर किसी ने हत्या किया, आपके घर वालों ने या फिर किसी और ने? मेरे घर वाले तो नहीं किए, वो खुद भी तो लगता है जो नहीं किए हैं। आपको लगता है ना वो आत्महत्या किए हैं ना आपके घर वाले हत्या किए हैं? अगर खुद वो करते तो उसका जो गर्दन है तो ऐसे नहीं रहता। अच्छा, किसी के द्वारा हत्या किया गया है ये आपको भी लगता है? सीधा, एकदम सीधा है तो कोई कर ही दिए होंगे ना। आपको लगता है कोई दूसरा हत्या कर दिया होगा पंकज का? हाँ, वो पहले भी कहते थे जो मेरा दुश्मन है। क्या कहते थे पहले, जोर से बोलिएगा? पहले भी कहते थे जो मेरे दुश्मन है, पर पूछते थे तो नाम नहीं बताते। अच्छा, आपको बताते थे कि मेरे दुश्मन है गांव में, लेकिन आपको बताते नहीं थे? नहीं। अच्छा, क्या लगता है वही लोग हत्या कर दिए होंगे? पता नहीं, पापा जब जाकर जो उनको बोले थे ना जो बात नहीं करने के लिए। अच्छा, तो इसी की समझ के कोई आदमी कुछ कर दिए होंगे। अच्छा, कुछ मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, कुछ कहना चाहेंगे? अपने पिता भाई के बारे में बताइए कुछ, क्या कहना चाहते हो? निर्दोष है, उसके लिए क्या गुहार लगाना चाहती है? निर्दोष के छोड़ देना चाहिए, दोषी को पकड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए।